सुप्रीम कोर्टाने एसटी ओबीसी संदर्भात संविधान विरोधी घेतलेला निर्णय मागे घ्यावा या मागणीसाठी 21 ऑगस्टला भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. गोंदियात देखील ओबीसी एससी एसटी तसेच मुस्लिम संघटना एकवटल्या असून 21 ऑगस्टला गोंदियात देखील कडकडीत बंद ठेवण्याचं आवाहन करण्यात आलं. सर्व समाजाच्या संघटनांनी एकत्रित येत समन्वय समितीची स्थापना केली असून गोंदिया जिल्ह्यात बंद पाळण्याकरिता बैठक घेण्यात आली आहे. इस गोंदिया बंद समन्वय समिति में शामिल किया है ताकि गोंदिया पूर्ण रूप से शांति रूप से बंद सक्सेसफुली बंद हो सके और हमारी आवाज़ एसडीएम मैडम एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और इस देश के तमाम उन लोगों तक जाए जो लोग इस देश के निर्णय लेते हैं, इस देश में कानूनों के लिए निर्णय लेते हैं. लोकसभा तक की बात जाए, लोकसभा में इस बात पर चर्चा हो और संसद के अंदर में फिर से प्रस्ताव ला करके एक बड़ा ठहराव वहाँ पर किया जाए हमारे सपोर्ट में, हमारे समाज के सपोर्ट में. इसलिए ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं. साथ ही हमें और भी खबर लगी है कि आमगाँव, गोरेगाँव, रावणवाड़ी ऐसे छोटे मोटे शहरों में किरोड़ा सभी जगह बंद का ऐलान किया गया है संगठनों के माध्यम से. तो मुझे लगता है कि पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश पूर्ण रूप से बंद रहेगा, ऐसी हम लोग आशा कर रहे हैं. और